अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। द 26 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म रांझा रिफ्यूजी की स्टार कास्ट आज बठिंडा पहुंची। बठिंडा के बिग शॉट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म के अभिनेता रोशन प्रिंस और अभिनेत्री सानवी धीमन ने फिल्म के बारे में जानकारी दी कि यह फिल्म भारत और पाकिस्तान के बारे में बताती है। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह है कि रोशन पुलिस ट्रेलर में ही दोहरी भूमिका दिखाई दे रहे हैं। यह फिल्म एक रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर है। 1971 के युद्ध से पहले के वर्षों में स्थापित जैसे नाम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो अपने जीवन में प्यार को पाने का प्रयास करता है और यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस फिल्म के ट्रैक्टर अवतार सिंह है। उत्पादन बैनर तले यह फिल्म अवतार सिंह द्वारा ही लिखी गई है जिसके निर्माता तरसेम कौशल और सुदेश ठाकुर है। फिल्म 26 तारीख को रिलीज हो रही है जी। नाम है रांझा रिफ्यूजी और ट्रेलर ऑलरेडी जिहड़ा उह सुर्खियां दे विच आ और काफ़ी लोगों ने अप्रीशिएट किया। सो असी हुणे चाहुंदे हां कि दर्शक 26 तारीक नूं साडी फिल्म जिहड़ी आ इह थिएटरस दे विच जाके देखण। पहली वारी मैं किसी फिल्म दे विच डबल रोल कर रहा और दोनों करैक्टर्स दे विच की डिफरेंशिएट मैं किस तरीके नाल कर पाया हुण दर्शक ही दसणगे 26 तारीक नूं देख के। बाकी म्यूजिक दा वधिया रिस्पोंस है, ट्रेलर दा वधिया रिस्पोंस है और उम्मीद करते हैं कि 26 नूं सारे दर्शक जरूर देखना। किस तरह की कहानी है? पुरातन पंजाब की कहानी है जी। 1947 तो लैके 73 तक की कहानी है और ये बहुत सारे इदा के ट्विस्ट है जिहड़े हुण तक आपां पंजाबी फिल्म नहीं देखे। सो ये सारा क्रैडिट जाता साडे डायरैक्टर साहब नूं अवतार सिंह होरां नूं जिन्होंने ये फिल्म नूं बेसिकली लिखिया, कंसीव किया, विजन किया और उस तो बाद परदे दे उतारे। हाँ जी, मैसेज सब तो वड्डा तो यही है कि बॉर्डर के उत्ते सिर्फ गोलियां की जंग ही नहीं होंदी। जदों कोई एमरजेंसी नहीं है या किसी तरह की कोई टेंशन दोनों मुल्कों के नहीं है तो दोनों सरहदों पर बैठे दोनों देशों के जिहड़े फौजी है वो आपस जिस तरह की कमेंटबाजी करते हैं, भावें वह चुटकलियां के रूप हो किसी तरीके भी रूप हो, एक बहुत वड्डा मैसेज है कि उन्हें आपस प्यार है, वह मिलते वरतते फिर भी है। और जिदा के साडे भैन भाई पाकिस्तान के मैं अक्सर वैसे भी वैबसाइट्स के भी अपने सोशल मीडिया से भी मैसेज आते रहते हैं, जिन्ना इधरले पंजाब वाले करते लेंदे पंजाब वाले भी उन्ने प्यार करते। सो दोनों मिल वरतन का एक जिहड़ा मैसेज है, बहुत वड्डा मैसेज इस फिल्म के थ्रू। हाँ जी, इस फिल्म च मेरा करैक्टर प्रीतो का है और बहुत ही प्यारा करैक्टर है। पुराने टाइम में कुड़ियाँ जिस तरह संजीदगी गल कर दी होंगी, अपनी गल बयान कर दी होंगी, उस तरह का करैक्टर है। और फिल्म आ रही है 26 तारीख में रांझा रिफ्यूजी जो डायरैक्ट की अवतार जी ने और मैं और अर्शन जी के मेन करैक्टर प्ले कर रहे हैं। बहुत प्यारी फिल्म बनी है, बहुत अच्छा मैसेज दिता जा रहा है इस फिल्म राही। मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे कि फिल्म में भरवा हुंगारा देन, 26 तारीख में जाके देखें। दर्शकों ने जी यही कहा जी फिल्म बहुत प्यारी फिल्म बनी है, कॉमेडी फिल्म है, बहुत अच्छा अच्छा मसाला है इस फिल्म, रोमांस है, कॉमेडी है, सारा कुछ है और एक एंटरटेनिंग फिल्म है। उन्होंने अच्छा मैसेज भी मिलेगा इस फिल्म के थ्रू, तो ये फिल्म जाके देखें और अपने हाँ जी। ये फिल्म जी असी जी फिल्म वास्ते इकट्ठे हुए ना है रांझा रिफ्यूजी जी 26 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। सो ये हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दे एक वधिया ते सुखद रिश्तियां दी कहानी है जी, ते सुखद रिश्ते बनाउण दी कोशिश की गई है। जदों भी हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी गलबात आउंदी है उदों साडे जिहड़ी पिक्चर बनती है माइंड पिक्चर बनती है वह बंबां दी पिक्चर बनती है, वह बंदूकों की पिक्चर बनती है जां होर हथियारां दी पिक्चर बनती है। सो असी कोशिश की एक हादसे की पिक्चर बनाउण दी कोशिश की है। सो पाकिस्तान का जोड़ा ह्यूमर है वो साढ़े उन्होंने बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत वधिया मनिया जाता है। साड़ी एक निमाणी जी कोशिश है पाकिस्तान दसन की भी साढ़े को भी ह्यूमर बहुत वधिया है, सो साढ़े कॉमेडियन भी बहुत वधिया ने। सो कुल मिला के जी फिल्म है हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के रिश्ते वधिया बना की एक कोशिश है साड़ी, बाकी ऑडियंस दसेगी भी किन्नी कामयाब हुई किन्नी नहीं कामयाब। नहीं नहीं जी, पूरी की पूरी फिक्शन है ना, क्योंकि ये कई बार इस तरह के सवाल होने भी इस तरह दिन फिल्मों ने हमेशा
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, 100% ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।